नति को मूल और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही को सूल। तो अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सगुण होत प्रवीण, अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सगुण होत प्रवीण, पर निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। तो विविध कला शिक्षा अमित ज्ञान अनेक प्रकार और सब देशन से लेकर निज भाषा में ही प्रचार। ये भारतेंदु ने उस समय सोच लिया था, उनको मालूम था कि जब हम आजादी की बात कर रहे हैं, जब हम अपनी भाषा के स्थापन की बात कर रहे हैं, तो हमें ये सारी अपनी शिक्षा और भाषा की चिंताएं करना होगी। मुझे लगता है कि बड़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं और इन पर जो भारतेंदु जी का जो लेखन है, इस पर हमें और भी विचार करना चाहिए। डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद ने एक बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति कही है, मैं उनका बड़ा प्रशंसक हूँ। उनके आप साहित्य देखिए, वो बड़े महान साहित्यकार भी हैं, वैज्ञानिक तो हैं ही। उन्होंने लिखा है कि मैं अच्छा वैज्ञानिक बना क्योंकि मैंने गणित और विज्ञान की शिक्षा अपनी मातृभाषा में प्राप्त की थी। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इस बात से हमें और हमारे विद्यार्थियों को और हमारे शिक्षाविदों को सीखना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि मातृभाषा जो होती है, वो उसका कार्य होता है, वो व्यक्ति को समझदार बनाती है, विचारशील बनाती है, भावनात्मक बनाती है और देश के साथ में जोड़ती है। ये हमारी मातृभाषा कर सकती है, दूसरी भाषा नहीं कर सकती। मैं अंग्रेजी की कोई बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन जब बात आती है तो शब्द निकलते हैं। अंग्रेजी भाषा चालाक बनाती है, ये चालाकी मातृभाषा में नहीं, मातृभाषा हमें समझदार विवेकशील बनाती है, लेकिन अंग्रेजी भाषा ने हमें चालाक बनाया है, हमें आर्थिक चीजों पर निर्भर रहना सिखाया है। अंग्रेजी अर्थ की भाषा है और मातृभाषा ज्ञान की भाषा होती है, तो ये बात हम लोगों को सीख लेना चाहिए। मैं क्योंकि जैसा कि दीक्षित जी ने बताया, मेरा कई कारणों से बहुत सारे देशों में जाना आना होता रहता है और वहां पर भी मैं ये सब चीजें देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि वहां के बच्चे, यहाँ के बच्चों में कोई बहुत ज्यादा खास फर्क है नहीं। वहां के बच्चे भी उसी तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं। कृपया माइक बंद कर लें जो लोग खुले हुए हैं, थोड़ा सा शोर हो रहा है। तो जो बच्चे हैं, मैं उनको देश की सीमा से नहीं बांटता, हमारी तो संस्कृति है। रामकुमार जी बहुत बड़े विद्वान हैं, मैं उनसे अलग से भी बात करूंगा। हमारी देश की संस्कृति जो है वो ये कहती है कि हम तो वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं, हम देश की सीमाओं से भी बहुत ऊपर आके की सोचने वाले हैं। तो पृथ्वी पर जो रहने वाले पूरे हैं, सब लोग हैं, वो सब हमारा कुटुंब है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि हम किसी दूसरे देश के बच्चे, दूसरी भाषा के बच्चे या और भी कोई जो लोग हैं उनके बारे में नहीं सोचते। हमें सबके बारे में सोचना है और सबके बातें हमें सीखना भी है। तो जब मैं दूसरे देशों में जाकर देखता हूँ, मैं आपको बहुत बड़ा सुंदर सा उदाहरण देता हूँ, क्योंकि रामायण से जुड़ा हुआ मेरा काम है, इसलिए मैं वहीं से उदाहरण लेता हूँ कि इंडोनेशिया में जब मेरा कुछ वर्षों पहले जाना हुआ, तो वहां पर रामलीला होती है, बड़ी बहुत खास रामलीला होती है और ओपन रामलीला होती है। टिकट शो होते हैं और रोज शो होते हैं, 365 दिन पूरे शो होते हैं और हाउसफुल जाते हैं। तो हमें विशेष रूप से, हम गए थे तो हमें विशेष टिकट मिल गया था, हमने वहां पर रामलीला देखी। और जब, अच्छा आपको बता दूं कि इंडोनेशिया एक मुस्लिम बहुल देश है, वहां की पूरी आबादी जो है, बाली द्वीप की पूरी आबादी जो है वो मुस्लिम बहुल है। और लेकिन वहां पर लोग जो है बहुत ही धार्मिक रूप से इसका कार्य करते हैं और वहां पर रामलीला नित्य प्रतिदिन होती है और वहां पर एक ये शास्त्रीय उत्सव होता है वहां पर, जो जिसे रामलीला कहते हैं वहां पर। तो वहां पर जब हमने रामलीला देखी और उसके बाद फिर हमें अवसर मिला कि वहां उन कलाकारों से मिले, तो जो 18 वर्ष का एक युवक था जो राम का रोल कर रहा था, उसको हमने पूछा कि भाई आपका नाम क्या है। तो उसकी जो टूटी फूटी हिंदी अंग्रेजी थी उसमें उसने हमसे बातचीत की। उसने अपना नाम, मुस्लिम नाम बताया। उसने बताया कि मेरा नाम मुख्तार अहमद नाम है, 18 वर्ष का युवक था, पढ़ रहा था। तो मैंने कहा तुम तो मुसलमान हो, तो तुम जब रामलीला करते हो तो क्या तुम्हें घर वाले अनुमति दे देते हैं? तो उसने बड़ा गर्व से सीना, मतलब आंखें नजरें मिलाकर मुझसे कहा, उसने कहा कि तो क्या हुआ, इस्लाम हमारा धर्म है और राम हमारी संस्कृति है। ये संस्कार उसके पास कहां से आए, मैं इस पर विचार कर रहा था। मैंने फिर उससे एक सवाल किया, हमारे साथ में कुछ पत्रकार लोग भी थे, तो एक सवाल मैंने जो किया, मैंने कहा कि तुम राम का रोल करते हो तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, कैसा लगता है? तो उसने थोड़ा सा सोचा, बड़े ऐसे सोचा जैसे कोई दार्शनिक सोच रहा हो, और सोचकर उसने इतना खूबसूरत जवाब दिया
कि आप लोगों का मन करेगा उस बात को हमेशा याद रखने के लिए। उसने कहा कि जब भी मैं राम का पुल करता हूँ तो मुझे सिगरेट पीने की इच्छा नहीं होती। देखिए मतलब मैं मेरे रोंगटे इस बात को लेकर आज भी खड़े हो जाते हैं कि ऐसा उत्तर हम क्यों नहीं सोचते। यहाँ पर एक ऐसा ही छोटा उदाहरण, अभी दक्षिण प्रांतों में मैं गया था, वहां पर देखा काफी सारे लोग हैं। ये आमतौर पर माना जाता है कि रामायण के ऐसे पात्र जो राक्षस प्रवृत्ति के हैं उनके नाम कोई रखता नहीं है, और इधर अयोध्या तरफ देखा जाए तो केकई वगैरह नाम कोई रखता नहीं है अपने बच्चों के। लेकिन दक्षिण में एक बच्ची का नाम केकई था। तो जब वहां पर बात की, हालांकि ये एक नैतिक मूल्य के रूप में ही आप इसको सीख के रूप में समझ लें, लेकिन जब बात की उनकी माँ से कि आपने इनका नाम केकई रखा, तो हाँ उस बच्ची से ही बात की कि आप तुम्हारा नाम केकई रखा तो तुम्हें कैसा लगता है। तो उस लड़की को पता नहीं सिखाया गया था वाजपेयी जी या क्या हुआ था, जो भी कारण रहा हो, लेकिन उसने जो जवाब दिया वो बड़ा अच्छा था। उसने कहा कि मेरे माता पिता ने मेरा नाम केकई शायद इसलिए रखा है कि मेरी जो संतान हो वो भरत जैसी। अब सोचिए कि क्या सोचा जा रहा है, क्या लोग हैं वो किस तरह से सोच रहे हैं। मैं तो हैरान रह जाता हूँ कि हमारे यहाँ के जो युवा बच्चे हैं वो किस तरह से बातें कर रहे हैं और कहाँ से कहाँ हमारी नीतियाँ, शिक्षा और हमारे संस्कार जाते हैं। तो ये संस्कारों का हमारा जो पल्लवन है, इसमें हमारे साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं वो बड़े महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। आप सब लोग बड़े महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। एक तो बातें और बताना चाहता हूँ कि जो समस्याएं आती हैं, चाहे वो नीति निर्धारण में आए, उसके लिए भी मेरे पास एक छोटी सी कथा, छोटी सी एक दृष्टांत है कि अफ्रीका में एक जादूगर है, अभी भी शायद पिछले कुछ वर्षों तक वो था, आप उसको नेट पर सर्च कर सकते हैं, गूगल बाबा बता देंगे, जूडान का था एक जादूगर है, उसका नाम फ्रेड रेड ऐसा कुछ नाम है। तो उसको महारत ये थी कि वो किसी भी संदूक में उसको बंद कर दीजिए तो वो बाहर आ जाता था 2 मिनट में। तो इसी तरह से उसको एक बार संदूक में ताला लगाकर उसको बंद करके और चेन से बांध बूंद के ताला लगाकर उसको पानी में फेंक दिया, तो वो निकल नहीं पाया। जब वो धोती, दीक्षित जी आप बड़े ध्यान से सुनिए इस बात को, बड़ा मजा आएगा ये सुनने में, वो जब 2-3 मिनट बाद बाहर निकला, बड़ा हफ्ता हुआ, तब लोगों ने कहा कि भाई आज आपको देर कैसे हो गई, आप तो तुरंत बाहर निकल आते हो ताला खोलकर, आपके हाथ बंधे होते हैं लेकिन तब भी आप संदूक का ताला खोलकर बाहर आ जाते हो। तो उसने कहा कि नहीं, इसमें कोई खास बात नहीं है, मेरे पास एक डुप्लीकेट चाबी होती है और मुझे उसके सीक्रेट मालूम होते हैं, तो मैं वो खोलकर और आ जाता था बाहर, लोगों को लगता था कि मैंने कोई जादू किया है। तो फिर आज आपको देर क्यों हुई? तब उसने कहा कि भाई मेरी मेरी आदत है कि मैं हमेशा चाबी निकालता हूँ पानी के अंदर जाकर और ताला देखकर, ताले को ढूंढकर उसको खोल लेता हूँ, लेकिन आज तो ताला लगा ही नहीं था तो मैं ताला ढूंढ रहा था कि खोलूं तो क्या खोलूं, कैसे बाहर आऊं, तो संदूक पर ताला लगा ही नहीं है और हम ताले को ढूंढ रहे हैं। हमारे जीवन में ये स्थिति बन रही है कि समस्या है नहीं, लेकिन हम समस्याओं को निर्मित कर रहे हैं, समस्याओं का निर्माण कर रहे हैं, हम ढूंढ ढूंढ के ऐसी चीजों को समस्या बना रहे हैं जिस जो समस्या वास्तव में है नहीं। तो ये एक बड़ी चीज होती है। 2-3 बातें मैं छोटी आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ जो हमारे भाषा ज्ञान संस्कृति पंडित है, जो मेरे अनुभव से मुझे लगता है कि हमारे उन शिक्षक साथियों को भी मालूम होना चाहिए जो काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे शिक्षक साथी हैं जो अनट्रेंड हैं। अनट्रेंड से मतलब मैं उनके किसी नकारात्मक भाव की बात नहीं कर रहा हूँ, उनको मालूम नहीं है, वो चाहते हैं कि क्या किया जाए, किस तरह से शिक्षा दी जाए, किस तरह से पढ़ाया जाए, लेकिन वो कर नहीं पाते। तो इसमें मैं एक दो चीजें बताना चाहता हूँ। जैसे सूचना और ज्ञान 2 शब्द हैं, हम अपनी शिक्षा को क्या समझते हैं? हम आमतौर पर जो सूचना हमें मिलती जाती है, हम समझते हैं कि हम पढ़ लिख रहे हैं, हमने आंकड़े देख लिए, हमने जनरल नॉलेज की चीजें देख ली, हमने ये देख लिया कि हमारे देश का प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री कौन है, हमारे फलाने देश का जनसंख्या क्या है। ये शिक्षा नहीं है, ये सूचनाएं हैं। शिक्षा और सूचना में बड़ा फर्क होता है। किसी चीज के आंकड़े जुटा लेना, वो आंकड़े तो कंप्यूटर भी बता देता है, आजकल गूगल बाबा सारी जानकारियां दे देंगे, वो ज्ञान नहीं है, वो सूचनाओं का, तथ्यों का, आंकड़ों का संग्रहण है। तो ये हमें सोचना चाहिए कि ज्ञान क्या होता है, और ज्ञान होता है नो, अंग्रेजी में शब्द है उसका नो, यानी जानना, हम उसको जानते हैं।
जब हम खुद को जान जाएं वो चीज ज्ञान होती है और वो अंदर से निकलती है। ज्ञान हमेशा आंतरिक होता है, सूचना हमेशा बाहर से होती है। देखा होगा आपने ऋषिगणों को कि जब उनसे कुछ पूछा जाता है तो वो अपनी आंखें बंद करके उसका उत्तर देते हैं। आपको आपने चिंतन करें तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसी भी ऋषि के पास में आप जाएं, किसी भी बड़े महात्मा के पास जाएं, तो वो अपनी आंखें बंद करके उसका हल खोजता है, क्योंकि वो उत्तर अपनी आत्मा से लेना चाह रहा है, अंदर से लेना चाहता है। तो ये जो हमारी शिक्षा है ये सूचना नहीं है, ये ज्ञान का विषय है और ये हमारे बालकों का भावनात्मक विकास करती है। ये बड़ी सूक्ष्म बात बता रहा हूँ कि उसको विचारवान बनाती है, उसको एक कंप्यूटर नहीं बनाती, उसको जानकारियों का संग्रहण केंद्र नहीं बनाती है, बल्कि उसको विचारवान बनाती है कि किसी चीज आपको किस रूप में समझना है और उसका किस तरह से प्रयोग करना है। अभी दीदी बता रही थी कि 64 दिन की बात उन्होंने कही तो मुझे याद आ गया, मैं अक्सर अपने वक्तव्यों में उल्लेख करता हूँ, जब भी पाठ्यक्रम की बात आती है, जब भी भाषा की बात आती है, तो मुझे लगता है कि मैं उस पाठ्यक्रम को भी देखूं जो राम और कृष्ण का पाठ्यक्रम रहा होगा। राम और कृष्ण की क्या भाषा रही होगी, राम और कृष्ण की क्या शिक्षा हुई होगी। मैं बात करता हूँ उसी जगह से जहाँ पर दीदी चुटेल जी ने छोड़ा है कि 64 दिन कृष्ण जी रहे संदीपनी आश्रम के उज्जैन से है। आपको एक बार पुनः प्रणाम करता हूँ उज्जैन की भूमि को। उज्जैन में संदीपनी आश्रम में कृष्ण जी अपने मित्रों के साथ में सुदामा, श्रीदामा और बहुत सारे जो ग्वाल मित्र थे उनके साथ में शिक्षा लेने के लिए संदीपनी आश्रम में, और संदीपनी आश्रम में वो कुल 64 दिन रहे। ऐसे हमारे शास्त्रों के अनुसार पूरी जो जानकारियां और सूत्र निकलते हैं, और उन 64 दिनों में उन्होंने 14 विद्याएं और 64 कलाएं सीखी। अब वो 64 कलाएं दीदी बता रही थी कि उनके पास वो पूरी कलाओं के नाम रखे हुए हैं, बहुत सारी कलाएं तो हम सब जानते हैं और उनमें निपुण होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि कला सीखी जाती है हमेशा। कला देखिए बात होती है, मैं वही बात कह रहा हूँ कि कलाओं को आप सीख सकते हैं, अभ्यास से सीख सकते हैं। जैसे जड़मत बहुत सुजान, तो आप अभ्यास करेंगे तो कलाएं आपके पास आ जाएंगी, आप कोई भी काम सीख सकते हैं संसार में आकर, वो सारी कलाएं होती हैं। लेकिन जो विद्याएं होती हैं जिनका अध्ययन उन्होंने गुरु से किया, जो दीक्षा में दी जाती हैं, जो 14 विद्याएं हैं, और उन विद्याओं का मूल जो रूप मुझे स्मरण आता है या मुझे लगता है कि कौन सी 14 विद्याएं थी, तो उसमें 4 वेद और 6 वेदांत, ये 14 विद्याएं मानी जाती हैं जो शिक्षा का पाठ्यक्रम थी। तो हालांकि शिक्षा स्वयं भी वेदांत का एक हिस्सा है, लेकिन ये 14 चीजें जो हैं ये विद्याएं हैं, और इन विद्याओं का अध्ययन श्री कृष्ण वेदांतों में एक अंग जो है वो शिक्षा है। शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, वेदांत। क्या अपना अपना माइक बंद कर, कि जो हमारे जो शिक्षा है उसको प्रारंभिक रूप में स्वर और व्यंजन की शिक्षा के रूप में, यानी वेदों को किस तरह से उच्चारित किया जाए, उसके उसके लिए एक वेदांग था जिसका नाम शिक्षा था। आज की जो शिक्षा है वो एजुकेशन पद्धति वो कुछ अलग बदल गया है सिस्टम। जो स्वर और व्यंजन को समझना ये शिक्षा कहलाता था, और किस तरह से वेदों का उच्चारण किया जाए ये उस समय की स्थितियां थी, और उस समय इसी बात को शिक्षा कहा जाता था। आज शिक्षित का शिक्षा का अर्थ बदल गया है। आज हम देखिए शिक्षा और विद्या दोनों में भी बड़ा फर्क है। राम कुमार सिकरवार जी और देसी जी बड़ी ध्यान से मेरी बात सुन रहे हैं। विद्या और शिक्षा में बड़ा अंतर है। विद्या का कोई भी शब्द अंग्रेजी में या किसी भी भाषा में हो ही नहीं सकता, क्योंकि विद्या अपने आप में एक उसका नाम ही विद्या है और उसका कोई दूसरा नाम हो नहीं सकता। लेकिन शिक्षा के ढेर सारे नाम हो सकते हैं। शिक्षा एक क्रिया है जिसके माध्यम से आप सीख सकते हैं, लेकिन क्या सीख रहे हैं वो जो है वो विद्या है। वो जो ज्ञान है आपने अर्जित कर लिया है, वो जो आपका हो गया है। देखिए हम एक ही पुस्तक को सारे लोग पढ़ते हैं। कृपया माइक को म्यूट कर ले, कृपया माइक को म्यूट कर ले।